Bulabinaka, I'm another Sorbokro of Nayabu Wenimboga Telebu. Whenever I want to tune in to listen to great music, I always tune in to my favorite radio station, Gold FM, only the classic. My name is Lita. We love listening to Gold FM here at the Fiji Hideaway Resort and Spa. Gold FM, only the classic hits. We're here at Tano Waterfront Lautoka. Love listening to Gold FM, only the classic hits. Gold FM, only the classic hits. नमस्कार फिजी समाचार दर्शन के साथ मैं हूं प्रणीता प्रकाश। रेस्क्यू टीम्स लंबासा में सुवेनी नवकुरु और दलेकोरू इलाके में सेस्ना 172 एयरक्राफ्ट की तलाश कर रहे हैं जो आज लंबासा एयरपोर्ट पहुंची ही नहीं। आज शाम सुवेनी विलेज में ये नजारा था जबकि अथॉरिटीज एयरक्राफ्ट की तलाश कर रही है। ये एयरक्राफ्ट पैसिफिक फ्लाइंग स्कूल का है। पुलिस स्पोक्स पर्सन आना नेसोरो ने पुष्टि की है कि उन्हें इस मिसिंग प्लेन के बारे में आज दिन में 2 बजे के समय रिपोर्ट मिली। नेसोरो ने पुष्टि की है कि एयरक्राफ्ट में 2 पैसेंजर्स हैं जो आज सुबह 7:30 बजे के समय नांदी एयरपोर्ट से छुट्टी थी। एयरपोर्ट फिजी लिमिटेड का कहना है कि फिजी रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को इस बारे में अलर्ट कर दिया गया है जिसमें नेवी और पुलिस शामिल है। विटनेसेस के अनुसार प्लेन को आज शाम देखा गया था। रायवाई सुबह में केन्स जनीफ वेयरहाउस आज शाम आग में जलकर नष्ट हो गया। ये आग आज दिन में 2 बजे के समय शुरू हुई तथा आग को 35 से ज्यादा फायर फाइटर्स ने काबू में करने की कोशिश की। 2 आई विटनेसेस का कहना है कि आग 1:56 PM के समय शुरू हुई जिसके बाद थोड़ी ही देर में फायर फाइटर्स वहां पहुंच गए। इस घटना में किसी को चोट नहीं लगी है। फिलहाल अभी पता नहीं है कि आग कैसे लगी जबकि छानबीन जारी है। पुलिस चीफ ऑफ ऑपरेशंस एक्टिंग DCP रुसाते तुनरावु को तालेबु प्रोविंशियल काउंसिल का नया चेयर नियुक्त किया गया है। प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर फॉर ईतो के अफेयर्स वोरेंगे बैनी मारामा के स्वीकृति के बाद ये अपॉइंटमेंट किया गया है। तुनरावु का कहना है कि उनसे काफी उम्मीदें की जा रही है। ईतो के अफेयर्स मिनिस्ट्री ने DCP तुनरावु को ये लीड रोल दिया है ताकि वो काउंसिल को और आगे ले जा सके। तुनरावु का कहना है कि वो अपने प्रांत के लिए काम करने के लिए तैयार है। और खेलकूद की खबर में फिजी एयरवेज मेन साइड स्पेन के खिलाफ स्क्रिमेजिंग सेशन से गुजरेंगे जबकि वे लास वेगास टूर्नामेंट के लिए तैयारी को राउंड अप करेंगे। कोच गैरेथ बेइबा प्लेयर्स को टेस्ट करने की उम्मीद कर रहे हैं जिसके बाद वे रशिया के खिलाफ खेल के लिए प्लेयर्स को नेम करेंगे। लास वेगास टूर्नामेंट के लिए टीम को आसान टीमों के साथ पुल किया गया है लेकिन उनके अनुसार रशिया के खिलाफ खेल टफ रहेगा। टीम आज 5 दिनों के ट्रेनिंग को रैप अप करेंगे जिसके बाद वे लास वेगास के लिए रवाना होंगे। और ये थे आज के मुख्य समाचार। इन खबरों के लिए आप रेडियो फिजी 2 और मिर्ची FM को भी सुन सकते हैं। शुभ रात्रि। मैं प्रमिला वायरुकु रेकी रेकी से सुबह मेरी आँख खुलती है तो मैं मिर्ची FM सुनती हूँ। मिर्ची FM इज नंबर 1। इट्स सो हॉट। हम लोग बार टाउन के करियर ड्राइवर लोगों ने हम लोग के मिर्ची FM सुनो अच्छा लगे। मिर्ची FM इज हॉट। हाय, मैं संध्या नारा रेफरी से। मेरे सारे दोस्त मिर्ची FM सुनते हैं। मिर्ची FM इज हॉट। आई लव मिर्ची FM। हमें अश्विन टोटो ताबुआ के मिर्ची FM में सबसे अच्छा गाना बजे। मिर्ची FM इज हॉट।